सो हेलो बच्चों, ना दिस फनेश गुप्ता मतलब के2 स्टूडियो। तो बच्चों आज बात करते हैं हर्षी और चेस के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट की। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था 1952 के अंदर। एनसीईआरटी में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में कैसा था, अनइक्विवोकल था। बच्चों अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है, जिन भी साइंटिस्टों को उस टाइम पर यह लगता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन ही हो सकता है, उन सभी के इस एक्सपेरिमेंट के बाद मुंह हमेशा के लिए बंद हो गए। सब इस बात को कन्विंस हो गए इनके एक्सपेरिमेंट के बाद कि जेनेटिक मटेरियल और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डीएनए। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया वायरस को, और वायरस कौन सा, बैक्टीरियोफेज को, और बैक्टीरिया कौन सा, बैक्टीरिया ई कोलाई को। बच्चों वायरस कौन सा है, क्योंकि वायरस बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है बच्चों जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बात समझ में आ रही है। और इस एक्सपेरिमेंट में जिस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया जाएगा वायरस के द्वारा, वो कौन है, वो है ई कोलाई। अब आगे क्या हुआ, इन्होंने आधे बैक्टीरियोफेज को उठाया और एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जहां पे क्या था, रेडियोएक्टिव फास्फोरस था, और आधे बैक्टीरियोफेज को उठाया एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जहां पे क्या था, रेडियोएक्टिव सल्फर था। अब बच्चों अगर वायरस ऐसे मीडियम में ग्रो करेंगे जहां पे रेडियोएक्टिव फास्फोरस है, तो आपको पता है कि डीएनए तो ऑलरेडी फास्फोरस मॉलिक्यूल कंटेन करता है कि नहीं करता, डीएनए के पास फास्फेट होता है कि नहीं होता। तो कुछ समय के बाद खुद सोच के बताओ, यही रेडियोएक्टिव फास्फोरस डीएनए इसके पास भी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अल्टीमेटली इसका डीएनए भी कैसा हो गया, इसका डीएनए बच्चों हो गया रेडियो एक्टिव। वहीं पर बच्चों अगर सराउंडिंग में रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो डीएनए सल्फर कंटेन तो करता है नहीं। जब डीएनए सल्फर को कंटेन करेगा नहीं, तो क्या उसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन बच्चों जो दूसरी चीज है, दूसरी चीज क्या है, यह है प्रोटीन। आप खुद सोच के बताओ प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड की चेन से, तो वो जरूर सल्फर कंटेन कर सकता है। इसकी वजह से जो ये प्रोटीन का कोड है बच्चों, प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं वायरस के, कैप्सिड। तो ये जो कैप्सिड है बच्चों को कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव। अच्छा बच्चों ये जो सराउंडिंग था रेडियोएक्टिव फास्फोरस था, वहां पे जिस आइसोटोप का इस्तेमाल हो रखा था वो है था P32, और अगर हम रेडियोएक्टिव सल्फर की बात करें वहां पे जिस आइसोटोप का इस्तेमाल हो रखा था वो था S35। अब बच्चों इसके बाद क्या हुआ, हर्षी और चेस ने बड़े कमाल की चीज करी, इन दोनों पर सेपरेटली अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सेपरेटली। अब कैसे किया वो देखो बच्चों, इन्होंने इनको उठाया, इस पहले वाले की बात कर रहा हूँ जहाँ पे डीएनए रेडियोएक्टिव हो गया था, इनको उठाया और एक ऐसे वेसल में डाला जिसमें क्या भरे हुए थे, ई कोलाई। सेम तरीके से इनको भी उठाया और एक दूसरे वेसल में डाला जिसमें क्या भरे हुए थे, सेम ई कोलाई। बात समझ में आ रही है, क्यों ई कोलाई बच्चों, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी कहा था वायरस किसको इन्फेक्ट करेंगे, आपके ई कोलाई को ही इन्फेक्ट करेंगे। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप भी वही है बच्चों, फर्स्ट स्टेप है इन्फेक्शन। सबसे पहले सर इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्फेक्शन हम कब मानते हैं, ये एक पहला कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, पहले ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल जब दूसरे की बॉडी में आता है तभी तो दूसरा बीमार होता है, हाँ के ना। इसी को तो बच्चों क्या बोलोगे, इन्फेक्शन। जब तक जेनेटिक मटेरियल नहीं आ रहा, जब तक खाली हुआ बैठा हुआ है, क्या इन्फेक्शन माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है। तो पहले स्टेप में वही हुआ, ये जो डीएनए था, अब आपको पता है कि डीएनए अंदर आ रहा है, इनको ये नहीं पता। इनका तो क्या है बच्चों, जब पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद इनको पता लगा था कि अंदर डीएनए आया था, लेकिन आपको तो पता डीएनए अंदर आया होगा। तो हम उस तरीके से बात करते हैं कि इनमें इस पहले वाले केस में ध्यान से देखो बच्चों, इस वाले को, इस वाले का सेक्शन ये है और इस वाले का सेक्शन ये है, ध्यान से देखना। तो इस वाले केस में, क्योंकि इस वाले में डीएनए रेडियोएक्टिव था, तो ये रेडियोएक्टिव डीएनए किस में आ जाएगा, ई कोलाई के अंदर चला जाएगा। वहीं पर दूसरे वाले केस में जहां पे प्रोटीन रेडियोएक्टिव था, उस वाले केस में बच्चों क्या होगा, नॉर्मल डीएनए, क्योंकि इस वाले केस में तो डीएनए नॉर्मल था ना, वो नॉर्मल डीएनए किस में चला जाएगा, ई कोलाई के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब सेकंड स्टेप में बच्चों क्या करवाया गया, सेकंड स्टेप में करवाई गई ब्लेंडिंग। बच्चों ब्लेंडिंग क्यों करवाई, ब्लेंडिंग में ध्यान से समझो, जैसे अब मिक्सी काम करती है चीजों को बहुत तेजी से हिलाती है, सेम तरीके से जोर का झटका इनको भी दिया गया, बड़े तरीके से इनको हिलाया गया। ये क्यों करवाया गया, क्योंकि बच्चों जो वायरस है बदतमीज है, वायरस अपने आप से बैक्टीरिया को छोड़ेगा है नहीं, बात समझ में आ रही है, अपने आप से बैक्टीरिया को नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमको बस क्या देखना है, हमको वायरस को बैक्टीरिया पर चिपकता हुआ नहीं देखना, हमको ये देखना है कि सर इस वायरस से इस बैक्टीरिया की बॉडी में क्या जा रहा है ना। इन्फेक्ट अगर कर रहा है वायरस बैक्टीरिया को, तो कुछ ना कुछ जा रहा होगा, कोई ना कोई तो ऐसा बायोकेमिकल होगा जो वायरस से इस ई कोलाई की बॉडी में जा रहा होगा, तो वो कौन गया, हमको बस वो देखना है और सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हमें वहां से हटा देना है। इसीलिए क्या करवाया गया, इनकी करवा दी गई ब्लेंडिंग, जिसकी वजह से बच्चों ये जो प्रोटीन का कोट था वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया वहां से एकदम सेपरेट। बात समझ में आ रही है, देख सकते हो वो एकदम छूट के अलग हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में करवाया गया बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको अच्छे तरीके से पता होगा सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर, यानी कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो कम होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है बच्चों ये वाला। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ध्यान से देखो, जो ई कोलाई थे वो कहाँ बैठ गए, नीचे। बच्चों नीचे वाले रीजन को बोलते हैं पैलेट रीजन, सेम तरीके से यहाँ पर नीचे बैठ जाएंगे पैलेट रीजन के अंदर। जो बात अनोखी देखने को मिली वो इनको ये देखने को मिली कि जिस साइड पर डीएनए रेडियोएक्टिव था
उसी साइड वाले में जो इकोलाई थी वो कैसी पाई गई, रेडियो एक्टिव, और जिस साइड पर प्रोटीन का कोट यानी कि कैप्सिड रेडियो एक्टिव था उस साइड पर बच्चों जो इकोलाई पाई गई वो एकदम नॉर्मल साइड नॉर्मल थी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पैलेट रीजन पर यानी कि बेस पर जो इकोलाई थी वो कैसी थी, वो एकदम नॉर्मल थी, और इस वाले केस में पैलेट पर यानी कि बेस पर जो इकोलाई पाई गई वो कैसी थी, रेडियो एक्टिव थी। पर सवाल ये कि यहाँ पर जो रेडियो एक्टिविटी थी वो किसके पास थी, प्रोटीन के कोट के पास थी, तो उसकी वजह से बच्चों क्योंकि ब्लेंडिंग करवाई गई थी, ब्लेंडिंग में क्या हुआ था, प्रोटीन का कोट छूट के सेपरेट हो गया था, और वो जो सेपरेट हो गया वो कहाँ फ्लोट कर रहा होगा, वो फ्लोट कर रहा है इस बीकर के या इस वेसल के सुपर नेटेड साइड पर। सुपर नेटेड साइड का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ, बात समझ में आ रही है बच्चों, वो ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इसी वजह से जो रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली इस वाले केस में वो कहाँ देखने को मिली, सुपर नेटेड साइड पर। इसके बाद बच्चों किसी भी तरह के शक की गुंजाइश नहीं रह गई, क्यों नहीं रह गई, क्योंकि जिस साइड पर डीएनए रेडियो एक्टिव उस साइड पर इकोलाई रेडियो एक्टिव, जिस साइड पर डीएनए नॉर्मल उस साइड पर इकोलाई नॉर्मल, बात समझ में आ रही है बच्चों,